बादलों में जादुई तीन आम का घर। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में राधिका नाम की एक लड़की अपनी माँ गायत्री और पिता अनुराग के साथ हंसी खुशी रहती थी। राधिका की माँ लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थी और अनुराग फल बेचने का काम किया करता था, और फल बेचकर जो भी उसकी कमाई होती थी उसी से उनके घर का खर्चा और राधिका की स्कूल की फीस जमा होती थी। एक दिन जब अनुराग फल बेचकर घर वापस लौट रहा था, तभी वह एक कार की चपेट में आ जाता है और उसके पैर में चोट लग जाती है। चोट लगने की वजह से अनुराग अब चल नहीं पाता था। यह सब देखकर राधिका की माँ बहुत ही दुखी होती है। अनुराग का इलाज न होने की चिंता से गायत्री भी अक्सर बीमार रहने लगी थी। अब राधिका के ऊपर ही घर की सारी जिम्मेदारियाँ आ गई थी। वह जैसे तैसे घर संभालती थी। तभी राधिका एक दिन अपनी माँ से कहती है, माँ पिताजी मेहनत करके फल बेचते थे तो अपने घर का गुजारा सही तरीके से हो रहा था। अब तो हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है जिससे हम पिताजी का इलाज करा सके। यहाँ तक कि हम दो वक्त की रोटी भी सही से नहीं खा पा रहे हैं। माँ मैं सोच रही हूँ पैसा कमाने के लिए मैं कुछ दिनों के लिए शहर चली जाती हूँ। अगर मैं शहर जाके किसी के घर में नौकरानी का काम भी करूँगी तो वहाँ मुझे उसके अच्छे पैसे मिल जाएंगे जिससे हम अपने पिताजी का इलाज करवा सकते हैं। बेटी तो बिल्कुल सही कह रही है और तूने बिल्कुल अच्छा फैसला लिया है। बेटी तू शहर जा और हाँ हम दोनों की चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं यहाँ रहकर अपना और तुम्हारे पिताजी का ध्यान रख लूँगी। अगले ही दिन राधिका शहर के लिए घर से रवाना हो जाती है और शहर जाकर वह लोगों के घरों में काम मांगने जाती है। राधिका पूरे दिन इधर से उधर भटककर काम ढूंढती है लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता है। फिर राधिका सोचने लगती है, घर से आए हुए दो दिन हो गए और अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला। क्या यहाँ पर किसी को भी काम वाले की जरूरत नहीं है? गांव में रहकर थोड़े बहुत काम कर लेती थी, अब तो वो भी खत्म हो गया। अब इतने बड़े शहर में मैं यहाँ कैसे रहूँगी? और अगर गांव खाली हाथ वापस चली गई तो माँ को कितना बुरा लगेगा? हे भगवान अब आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए। राधिका वहाँ पर खड़ी होकर ये सारी बातें सोच रही थी, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और राधिका से बोलती है, बेटी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, दो दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अम्मा मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ 20 रुपए हैं। लेकिन कोई बात नहीं अम्मा, आप मुझसे ये पैसे ले लीजिए और इन पैसों से आप कुछ खरीद कर खा लीजिएगा। राधिका उस बूढ़ी अम्मा को पैसा देकर इधर उधर काम की तलाश में भटकने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद राधिका को दो छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं और वे बच्चे राधिका के पास आकर राधिका से बोलते हैं, दीदी दीदी मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके लिए दवाई खरीदनी है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। दीदी क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकती हैं? दीदी मेरे पास तो अब केवल 10 ही रुपए बचे हैं जो मैंने अपने लिए बचाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, ये लो ये पैसे तुम रख लो और अपनी माँ के लिए इसे दवाई खरीद लेना। दीदी क्या आप हमारे साथ हमारे घर पर चलोगी? हम अकेले अपनी माँ को डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते। राधिका को उन छोटे छोटे बच्चों पर तरस आ जाता है और वह उनके साथ उनके घर चली जाती है। राधिका जैसे ही उनके घर पे पहुँचती है वैसे ही वो दोनों बच्चे और उनकी माँ तीनों ही परी के रूप में बदल जाती है। असल में वो तीनों परी ही थी और वह राधिका की परीक्षा ले रही थी। तभी पहली परी राधिका से कहती है, बेटी हम एक ऐसे इंसान की तलाश में थे जिसका दिल नेक हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ बिल्कुल परी जी, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? बेटी हम परी लोक की परियाँ पृथ्वी पर अक्सर गरीब और लाचार लोगों की मदद करने आते हैं, लेकिन यहाँ हमें एक चुड़ैल ने गलती से कैद कर लिया है और हमें इस झोपड़ी में बंदी बनाकर रख रखा है और हम इस झोपड़ी से बाहर अपने परीलोक में नहीं जा सकते। परी जी लेकिन मैंने तो किताबों में पढ़ा था, परियां तो बहुत ही शक्तिशाली होती है और उनके पास बहुत सारी जादुई शक्तियां होती है, क्या आपके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं है? बेटी
हमारी जादुई शक्तियाँ हमारी जादुई छड़ी में ही होती है। जब मेरी चुड़ैल से लड़ाई हो रही थी तभी मैंने अपनी जादुई छड़ी बादलों में आम के घरों में छुपाकर रख दिया था। क्या बादलों में आम का घर? पर ये है कहाँ? बेटी यहाँ से थोड़ी दूर पर एक घना जंगल है। जंगल के रास्ते से ही जाने पर तुम बादलों के जादुई आम के घरों में जा सकती हो और तुम हमारी जादुई छड़ी को वहाँ से ला सकती हो। परी जी, लेकिन मैं बादलों में जादुई आम के घरों में जाऊंगी कैसे? मेरे पास बादलों में जादुई आम के घरों की चाबी है। उन तीनों जादुई आम के घर में केवल वही लोग जा सकते हैं जो नेक दिल हो और जो दूसरों की मदद करने वाला हो। और बेटी, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर तुम्हारे सिवा कोई और जा सकता है, इसलिए हमने वहाँ भेजने के लिए तुम्हें चुना है। यह सुनकर राधिका परियों की मदद करने के लिए उनको हाँ बोल देती है। परी जी, अगर ऐसी बात है तो मैं वहाँ जरूर जाऊंगी और आपकी जादुई छड़ी को वहाँ से जरूर लेकर आऊंगी। तभी तीनों परियां राधिका के साथ जंगल की ओर जाती है और वहाँ जाकर बादलों में जादुई आम के घरों में जाने के लिए सीढ़ियाँ प्रकट कर देती है। और दूसरी परी राधिका को जादुई आम के घरों की चाबियाँ दे देती है। चाबी लेकर राधिका बादलों में जादुई आम के घरों में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। थोड़ी देर चलते चलते राधिका जादुई आम के घरों के पास पहुंच जाती है। राधिका के वहाँ पहुंचते ही पहला आम का घर बोलता है, आओ बेटी आओ, हमारे जादुई आम के घरों में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें बहुत सारे सोने के सिक्के मिलेंगे जिन्हें बेचकर तुम बहुत ही अमीर हो जाओगी। नहीं नहीं, तुम मेरे घर में आओ, मेरे घर में तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे जिससे तुम अपने लिए बहुत बड़ा आलीशान बंगला खरीद सकती हो। और इतने पैसों में तो तुम जिंदगी भर ऐसो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकती हो। मेरे घर में आओ। दोनों आम के घरों के बोलने के बाद तीसरा आम का घर बोलता है, बेटी अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें सोने चांदी के कोई सिक्के नहीं मिलेंगे और ना ही तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन तुम जो यहाँ लेने आई हो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम मेरे घर में आकर परियों की जादुई छड़ी ले जा सकती हो। अब फैसला तुम्हें लेना है कि तुम्हें परियों की मदद करनी है या तुम्हें खुद अमीर बनना है। तीनों आम के घरों की बात सुनने के बाद राधिका बोलती है, मुझे अभी पैसों की बहुत ही जरूरत है, लेकिन मैं सोने चांदी और पैसे नहीं लूंगी। मैं उन तीनों परियों की मदद करना चाहती हूँ क्योंकि इस वक्त परियां बहुत ही मुसीबत में हैं। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए। राधिका के इतना बोलते ही पहला और दूसरा जादुई आम का घर बोलता है, राधिका तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुम कभी भी लालच नहीं करती हो। तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर हम बहुत ही खुश हुए। हाँ हाँ राधिका, यह आम का घर सही कह रहा है। हम तुम्हारे व्यवहार को देखकर सोने के सिक्के और पैसे देना चाहते हैं। इतना कहकर दोनों जादुई आम का घर ढेर सारे सोने के सिक्के और पैसे प्रकट कर देता है और राधिका को दे देता है। राधिका उन दोनों जादुई आम के पेड़ों का धन्यवाद कर तीसरे जादुई आम के घरों में जाती है, जहाँ जाकर राधिका परियों की जादुई छड़ी ले लेती है और परियों के पास जाकर उन्हें उनकी जादुई छड़ी वापस कर देती है। सभी परियां बहुत ही खुश होती है और राधिका से कहती है, राधिका तुम बहुत ही अच्छे दिल की लड़की हो, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वह धन दौलत और सोने चांदी को चुनती, लेकिन तुम धन दौलत और सोने चांदी की लालच में नहीं आई। अगर तुम चाहो तो तुम मुझसे अपने मन की एक इच्छा पूरी करवा सकती हो। परी जी, मेरी बस एक ही इच्छा है, कृपया करके आप मुझे मेरे घर पहुंचा दीजिए। राधिका के इतना कहते ही पहली परी अपनी जादुई छड़ी की जादू से राधिका को उसके घर पहुंचा देती है। राधिका को अचानक से देखकर अनुराग और गायत्री बहुत ही खुश होते हैं और गायत्री अपनी बेटी राधिका से कहती है, राधिका बेटी तू आ गई। बेटी तुम्हारे हाथों में इतने सारे सोने के सिक्के और पैसे कहाँ से आए, ये सब तुम्हें किसने दिया? गायत्री के इतना कहते ही राधिका अपनी माँ गायत्री को सारी बातें बताती है।
सारी बातें सुनकर गायत्री और अनुराग बहुत ही खुश होते हैं और राधिका अपने पिताजी से कहती है, पिताजी अब मैं आपका इलाज शहर के बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में करवाऊंगी और आप जल्दी ही ठीक हो जाओगे और अब हमारे पास इतना धन दौलत है कि हम शहर में ही अपना जीवन बिता सकते हैं और वहीं पर एक अच्छा सा दुकान खोलेंगे और वहीं रहकर अपना जीवन सुखी पूर्वक व्यतीत करेंगे। इसके बाद राधिका अपने पिताजी को लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ पर उनका इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों के इलाज के बाद उनके पिताजी पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन बिताने लगते हैं। सोतेली माँ और जादुई गुलाब का फूल। एक समय की बात है, एक गांव में सुमन नाम की एक लड़की अपनी सोतेली माँ करुणा और सोतेली बहन मीनाक्षी के साथ रहा करती थी, क्योंकि सुमन की माँ का कुछ साल पहले ही एक बीमारी की वजह से देहांत हो गया था, जिसके बाद उसके पिता मनमोहन ने करुणा नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन करुणा ने घर में आते ही सुमन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसने मनमोहन से सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी, इसलिए वो सुमन को कभी भी प्यार नहीं किया करती थी और सारा प्यार अपनी बेटी मीनाक्षी पर ही लुटाया करती थी और सुमन से घर का सारा काम करवाया करती थी और उसे खाने के लिए पेट भर खाना भी नहीं दिया करती थी। ऐसे ही एक दिन मीनाक्षी सुमन से कहती है, अरे सुमन मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तुम जल्दी से मेरे लिए खाना लेकर आओ। सुनो मीनाक्षी, वो मैं बाहर कुछ काम कर रही हूँ तो तुम खुद जाकर खाना ले लो। सुमन की ये बात सुनकर करुणा सुमन पर गुस्सा करने लगती है। अरे तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी बेटी को मना कर रही है? चल जा जल्दी से और पहले मेरी बेटी को खाना निकाल कर दे। करुणा की बात सुनकर सुमन चुपचाप से जाकर मीनाक्षी को खाना निकाल कर दे देती है और मीनाक्षी कहती है, अरे तुम्हें तो आदत सी हो गई है माँ की डांट सुनने की, बिना डांट सुने तो तुमसे कोई काम ही नहीं होता है। अरे अगर पहले ही मेरी बात मान ली होती तो मेरी माँ का इतना दिमाग खराब नहीं होता। उसी समय वहाँ पर सुमन के पिता मनमोहन आ जाते हैं और सुमन से कहते हैं, अरे सुमन तुम जल्दी से मेरे लिए खाना निकाल दो, मुझे किसी काम से बाहर जाना है। ठीक है पिताजी। इतना कहकर सुमन खाना लेने अंदर जा ही रही होती है, उसी समय करुणा कहती है, अरे तू पहले जाकर घर का सारा काम खत्म कर, खाना मैं लाकर दे देती हूँ। इतना कहकर करुणा मनमोहन को खाना लाकर दे देती है और वो एक साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी मनमोहन कहता है, अरे करुणा मीनाक्षी को भी बुला लो, वो भी हमारे साथ बैठकर खाना खा लेंगी। अरे आप चिंता मत करिए, उस मीनाक्षी ने तो पहले ही खाना खा लिया है, वैसे भी वो कौन सा हम लोगों का इंतजार करती है, आप बस खामखा उसकी चिंता करते रहते हैं। अरे कोई बात नहीं, वो भी वक्त के साथ समझदार हो जाएगी। मनमोहन के पूछने पर करुणा उसे झूठ बोलती है कि सुमन ने खाना खा लिया है, बल्कि सुमन से तो वो दिन भर बस घर का काम ही करवाती रहती है और छोटी मोटी गलतियों पर उसे हमेशा ताना मारा करती है, लेकिन सुमन हमेशा चुपचाप ये सब बर्दाश्त करती रहती है और ऐसे ही उसके दिन गुजरने लगते हैं और सुमन हमेशा ऐसे ही घर का सारा काम किया करती और काम करने के बाद वो अपने आंगन में लगे एक गुलाब के पौधे की खूब सेवा किया करती थी और उसमें हमेशा जब भी पानी डालने जाया करती तो घंटों उस गुलाब के फूलों से बातें किया करती। ऐसे ही एक दिन जब करुणा उस गुलाब के फूल को तोड़ रही होती है तो उसके हाथ में कांटे चुभ जाते हैं, जिससे कि वो चिल्लाते हुए कहती है, हे भगवान इस फूल के चक्कर में तो मेरे हाथ में कांटा चुभ गया, पता नहीं उस मनहूस ने ये कैसा फूल का पौधा लगाया है, आज तो मैं इस फूल के पौधों को खाड़ कर ही फेंक दूंगी। उसी समय सुमन वहाँ आती है और कहती है, अरे माँ आप ठीक तो है ना, आपको दर्द तो नहीं हो रहा? उसी समय करुणा सुमन को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, अरे आज तेरी वजह से मुझे ये कांटा चुभ गया, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में तूने ये पौधा लगाया था। पर माँ इसमें मेरी क्या गलती है? करुणा हमेशा सुमन के साथ ऐसा ही व्यवहार किया करती थी, लेकिन सुमन कभी भी इस बारे में अपने पिता से कुछ नहीं कहती थी,
बस सब कुछ चुपचाप सहे जा रही थी। तभी ऐसे ही एक दिन जब सुमन गुलाब के पौधे में पानी डालने जाती है तो वो देखती है कि उस गुलाब के पौधे पर बहुत ही सुंदर एक गुलाब का फूल लगा हुआ है। और सुमन जैसे ही उस गुलाब के फूल को तोड़कर अपने कमरे में जा रही होती है, उसी समय मीनाक्षी कहती है, अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर फूल लग रहा है, इसे तो मेरे बालों में होना चाहिए, चला ये फूल मुझे दे। उसी समय मीनाक्षी सुमन के हाथ में से वो फूल छीन लेती है और जैसे ही वो उस फूल को अपने बालों में लगाने लगती है, वैसे ही उसके हाथ में एक कांटा चुभ जाता है। अरे ये फूल तो पूरा कांटों से भरा है, पता नहीं वो मीनाक्षी की बच्ची कहाँ से ये लेकर आई थी। उसके बाद मीनाक्षी गुस्से में जाती है और वो फूल मीनाक्षी के ऊपर फेंक देती है। और ऐसे ही दोनों माँ बेटी मिलकर सुमन को हमेशा परेशान किया करती थी। लेकिन एक दिन गाँव के राजा महेंद्र प्रताप के यहाँ एक समारोह रखा जाता है जिसमें राजकुमार अशोक अपने लिए एक जीवन साथी चुनने वाले थे, इसलिए वो गांव की सभी लड़कियों को अपने महल में आने के लिए निमंत्रण देते हैं। और ये सुनकर मनमोहन अपनी दोनों बेटी और अपनी पत्नी करुणा के साथ समारोह में जाने की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन करुणा उसी समय अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी, हम इस सुमन की बच्ची को अपने साथ वहाँ नहीं ले जा सकते, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उसी समय मीनाक्षी कहती है, माँ आप चिंता मत करिए, मेरे होते हुए वो मीनाक्षी की बच्ची वहाँ नहीं जा सकती। इतना कहकर मीनाक्षी अपने हाथों में तेल की कटोरी लेकर सुमन के कमरे में जाती है और सुमन के कपड़ों पर तेल गिरा देती है और कहती है, अरे सुमन अब तू क्या करेगी, तेरे पास तो ये एक ही जोड़ी कपड़े थे, अब तू क्या पहनकर समारोह में जाएगी। मीनाक्षी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अब मैं समारोह में क्या पहनकर जाऊंगी। अब तुम घर पर बैठकर बस रड़ती रहो, समारोह में तो मैं अकेली ही जाऊंगी। इतना कहकर मीनाक्षी अपने पिता और माँ के साथ समारोह में चली जाती है और सुमन बेचारी उस गुलाब के फूल के पास जाकर रोने लगती है। उसी समय उस गुलाब के फूल से एक आवाज आती है, अरे सुमन तुम क्यों इतना परेशान हो। सुमन अचानक वो आवाज सुनकर इधर उधर देखने लगती है और कहती है, कौन है यहाँ। डरो मत सुमन, मैं तुम्हारा लगाई हुई जादुई गुलाब का फूल हूँ और मैं आज तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा मेरी इतनी सेवा करती हो, इसलिए मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, तो बताओ तुम क्यों इतना परेशान हो। उसके बाद सुमन उस जादुई गुलाब के फूल को अपनी सारी परेशानी बताती है। तभी वो जादुई गुलाब का फूल कहता है, तुम चिंता मत करो सुमन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मेरे गुलाब के फूल को तोड़कर अपने सर पर लगा लो और तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो, ये जादुई गुलाब का फूल तुम्हें वो दे देगा। उसके बाद सुमन जैसे ही उस जादुई गुलाब के फूल को अपने सर पर लगाती है, वैसे ही वो एक सुंदर सी ड्रेस में आ जाती है और उसके शरीर पर हीरे मोतियों से जेवरात आ जाते हैं। और सुमन अपने आप को इतनी सुंदर ड्रेस में देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह, इतनी सुंदर ड्रेस और इतने सुंदर सुंदर जेवरात मैंने तो आज तक नहीं देखे। इतना कहकर सुमन खुश होकर समारोह में चली जाती है। और जैसे ही सुमन उस समारोह में पहुंचती है तो सबकी नज़र सिर्फ सुमन पर ही होती है और हर कोई सुमन की खूबसूरती की तारीफ कर रहा होता है। उसी समय राजकुमार अशोक की नज़र सुमन पर पड़ती है और वो सुमन की खूबसूरती देखकर उसमें खो जाते हैं और वो उससे बात करने के लिए उसके पास जाते हैं। सुनिए, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद है और मैंने आपकी जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। सुमन राजकुमार अशोक की बात सुनकर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और चुपचाप वहाँ से भाग जाती है। लेकिन भागते समय उसके कान का एक इयररिंग वहाँ पर गिर जाता है और वो जल्दी से अपने घर आ जाती है। और घर आकर उसे पता चलता है कि उसका एक इयररिंग उसके कान में नहीं होता। अरे मेरा एक कान का इयररिंग कहाँ गया। इतना कहकर सुमन पूरे घर में अपने कान का ढूंढने लगती है। लेकिन उसी समय उसके घर के सभी लोग वापस आ जाते हैं
और सुमन डर के मारे अपने सर से वो गुलाब का फूल निकाल देती है और गुलाब का फूल निकालते ही सुमन फिर से पहले के जैसे ही हो जाती है। और उसी समय उसकी बहन अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, आपने उस लड़की की ड्रेस देखी थी, कितनी सुंदर लग रही थी, मुझे भी वैसी ही ड्रेस चाहिए। सही कहा बेटी तूने, लेकिन वो ड्रेस मिलेगी कहाँ से। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार अशोक को सुमन के कान का इयररिंग मिल जाता है और वो कहता है, अरे ये तो उसी लड़की का इयररिंग है, लेकिन वो कहाँ चली गई, पर कोई बात नहीं, मैं उस लड़की को ढूंढ कर ही रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ सुमन को नींद नहीं आ रही होती, ये सोचकर कि उसका इतना सुंदर इयररिंग पता नहीं कहाँ गिर गया। इसलिए सुमन पूरी रात परेशान रहती है और अगले दिन राजकुमार अशोक खुद उस इयररिंग को लेकर पूरे गांव में उस लड़की को ढूंढने लगते हैं। और पूरे गांव में घूमने के बाद वो कुछ देर बाद सुमन के घर के पास पहुंचते हैं और वहां वो उसके पिता से कहता है, देखिए मुझे ये इयररिंग कल समारोह में मिली थी, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये इयररिंग किसकी है। उसी समय करुणा और मीनाक्षी भी बाहर आ जाते हैं और करुणा अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी ये इयररिंग तो तुम्हारे है ना, कल शायद तुमसे वहाँ पर गिर गए होंगे। हाँ माँ, ये तो मेरी इयररिंग है। उसी समय सुमन बाहर आ जाती है और कहती है, अरे ये इयररिंग तो मेरी है, मैं कब से इसे ढूंढ रही थी। और सुमन इतना कहकर जैसे ही वो इयररिंग राजकुमार अशोक के हाथ से लेती है, वैसे ही राजकुमार अशोक कहता है, अरे क्या तुम वही लड़की हो, और अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम उससे शादी करोगी। राजकुमार अशोक की बातें सुनकर सुमन शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीचे झुकाते हुए हाँ कहती है। और कुछ ही दिनों में सुमन की शादी राजकुमार अशोक के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। लेकिन ये देखकर करुणा और मीनाक्षी बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने नौकरानी बनाकर रखा था, आज वो एक महल की रानी बनने जा रही थी। और ये देखकर वो लोग सुमन से और भी जलने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।